नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गुप्ता, खाओ खिलाओ में आपका स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी लेकर आया हूँ जी। ये अक्सर आपके घर पर बनती होगी, बट मैंने इसमें कुछ यूनिक तरीके से ये रेसिपी लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। एंड ये थोड़ा लिप्टेमा टाइप रखी है मैंने, टमाटर आलू जो अक्सर लोगों के घर पर बनती है, ये थोड़ा मैंने कुछ यूनिक टाइप रखी है इसको। एंड ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप पूरी देखिए। एंड ये वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऐसे लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाए। तो हम रेसिपीज को स्टार्ट करेंगे। कुछ सब्जियाँ लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 से 5 आलू लिए मीडियम साइज के, 1 कप मैंने यहाँ पे मटर लिए, आप फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं, एंड मैंने यहाँ पे 2 से 3 टमाटर और 2 से 3 प्याज लिए। मैगी मसाला जी, मैजिक का मैगी मसाला, यही आपको लेना है, यही आपकी सब्जी में लाएगा जान। तो आलू को यहाँ पे हम जैसे रेगुलर सब्जी के लिए काटते हैं, वैसे ही 1/4 शेप में काट लेना है आप पीस का। एंड ये देखिए, हमारे आलू कट के रेडी हो चुके हैं। प्याज को हमें एकदम बारीक बारीक काटना है, आप अपने हिसाब से बारीक बारीक काट लीजिए प्याज को। देखिए एकदम बारीक प्याज होना चाहिए, प्याज जो है मसाले में एकदम घुल जानी चाहिए, इतनी बारीक आपको काटनी है। आप चाहो तो ग्रेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर लिया टमाटर, मैं यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स पीस नहीं रहा हूँ, आप चाहो तो मिक्सी में पीस सकते हो, बट वो मज़ा नहीं आएगा। जितना मज़ा वो ग्रेट करने में आएगा उसको हाथ से, उतना मज़ा उसकी प्यूरी बनाने वैसे बनाने में नहीं आएगा। तो ये प्लीज़ आप अपनाइए, ऐसी ये टेक्निक आप ज़रूर यूज़ करिए, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। एंड यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्च ली है, इसको मैं थोड़ी मोटी मोटी शेप में काट रहा हूँ, ये देखिए, जिससे कि इसका एक स्वाद जो आए मसाले में जाके एकदम बढ़िया स्वाद आए। और यहाँ पर अब मैं ले रहा हूँ सरसों तेल, सरसों तेल यहाँ पे 2 से 3 चम्मच के करीब आप लेंगे, उसमें डालेंगे हरी मिर्च, हरी मिर्च का बहुत ही बढ़िया आना चाहिए। एंड उसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून करीब जीरा, एंड उसके ऊपर मैंने डाला है प्याज बारीक कटी हुई। एंड इसे हमें अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई कर लेना है, अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे 2 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट जी। अभी से स्मेल जो आ रही है ना, वो मैं बता नहीं सकता आपको, इतनी मस्त इसमें जो सुगंध आ रही है, बहुत ही लाजवाब। और यहाँ पर मैं स्पेशल मसाला रेडी कर रहा हूँ, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, इनको एक थोड़ा सा पानी डाल के एक घोल बना के रेडी कर लेना है। अब देखिए मैं पानी में क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि अब हम ऐड करेंगे ना तो प्याज के अंदर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब भी होगा और प्याज जो है ना अच्छे तरीके से पक भी जाएगी, ये देखिए, और उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा फिर बिल्कुल। फ्रेंड अच्छे तरीके से मसाले को देखो पका लेना अच्छे तरीके से, एंड थोड़ी देर में देखिए फ्रेंड्स तेल छोड़ देगा, हल्का हल्का उठने लगेगा ऊपर। तो यहाँ पे हम डालेंगे मटर, ये मैं नॉर्मल मटर लिए है, आप फ्रोजन मटर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी 1 कप के करीब में मटर लिए है मैंने। और आप सभी चीज़ को अच्छे तरीके से पकने देंगे, हल्की मटर जो है हल्का शाइन बन आ जाए, उसके बाद यहाँ पे हम हमारे जो टमाटर की प्यूरी हमने ग्रेट करके बनाया था वो प्यूरी डाल देंगे। इसका कलर ही देखिए इतना बढ़िया दिख रहा है, और ये जो अपन पीस देते हैं उसमें छिलका, मोटा मोटा छिलका भी पीस जाता है, और इसमें छिलका भी नहीं पीसा है, बहुत ही बढ़िया बना है एकदम। और यही तो लाएगा मसाले का टेस्ट एकदम बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हल्का हल्का तेल उठने लगा है, टमाटर की प्यूरी दब गई है, एंड मटर थोड़ा साइड साइड से देखिए झाग रही है कैसे। एंड यहाँ पर अभी हमें डाल देना है आलू, आलू यहाँ पे हमने कच्चे लिए हैं, ये बात आपको पता ही अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर हमें मिक्स करना, और सबसे मेन प्रोसेस आता है आलू को पकाए कैसे, कैसे पकाए हम आलू, तो हमें यहाँ पे क्या करना है आपको अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लो, मिक्स कर लिए आलू के अंदर हल्का हल्का मसाला जाने दो। अब यहाँ पर हम डाल देंगे क्या, पानी, पानी नहीं डालेंगे तो कैसे पकेंगे आलू, तो यहाँ पर डाल देंगे 1 ग्लास के करीब हम पानी, और इसको ढक कर अच्छे तरीके से ढक दो, हाँ, और पकने दो 5 to 10 मिनट्स तक अच्छे तरीके से पक चुका है ये। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आलू में जो आ गई है कल की मिठासपन जी, अब बिना शक्कर के मिठासपन कैसे आ गई वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर फ्रेंड्स वैसे ही आलू में एक अलग सी मिठासपन रहती है, और आलू जब मसालों और पानी में मिलता है तो वो अपनी मिठासपन और थोड़ा सा छोड़ता है, जैसे आप बनाएंगे उसका टेस्ट करना, ये सब्ज़ी हल्की हल्की आपको अपने आप ही मीठी मीठी लगेगी, हल्का सा मिठासपन जो आएगा ना सब्जी में बहुत ही बढ़िया आएगा फ्रेंड्स। ये सब्जी तो रेगुलर लोगों के यहाँ बनती है, हमारे तो खासकर बनती है, एंड ये सब्जी बहुत ही बढ़िया बनी है फ्रेंड्स, और ये झटपट बन जाती है सब्जी। और ये सब्जी आपके सामान मतलब घर पे हमेशा अवेलेबल रहने वाले सामानों से बनती है। अब यहाँ डालेंगे मैगी मसाला है मैजिक, एंड उसके बाद 1/2 कप पानी डाल देंगे आप। और एक खास बात, यहाँ पर मैंने सब्जी को हल्की घोट लिया है, घोटा इसलिए है क्योंकि हल्का लिपटेवापन आ जाए सब्जी में, इसलिए मैंने सब्जी को यहाँ पे घोट लिया है अच्छे तरीके से। आप चाहो तो इन्हें खड़ी खड़ी भी रख सकते हैं, बट असली मज़ा जो आएगा ना वो ऐसे घोटने में ही आएगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी सब्जी देखिए रेडी हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया बनी है, तो अब हम इसे सर्व करेंगे।
ये देखिए एकदम मसालेदार हमारी यहाँ पे टमाटर मटर आलू की सब्ज़ी रेडी हो गई है। ऐसी सब्ज़ी ना आपने कहीं खाई होगी ना कभी आपने देखी होगी ऐसी सब्ज़ी, और ये बहुत ही बढ़िया बनी है। इसे आप रोटी पराठे पूड़ी अरे जो मिल जाए उसके साथ आप खा सकते हो, उसे चावल के साथ भी खा सकते हो, इतनी बढ़िया सब्ज़ी है ये। ओके फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप ट्राई करिए, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड मैंने ज़्यादा बोला हो तो मुझे माफ़ भी करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो पे। घर पे रहिए, सेफ रहिए एंड मेरे रेसिपीज देखते रहिए।